हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट क्लास में हमने इनपुट मार्केट पे स्टार्ट कर दिया था और लेबर का डिमांड कर्व डिराइव करके बताया था। तो एक छोटा सा इसमें बताया था, फिर लेबर का सप्लाई कर्व स्टार्ट करेंगे। ये 39th क्लास हो गई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है? तो एक चीज़ है कि हाँ, ये जो डिमांड कर्व ऑफ लेबर है, ये किस किस केस में शिफ्ट होता है, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले तो वो है आपका कि प्राइस ही बढ़ जाए, प्राइस ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाए, तो डिमांड कर्व, लेबर डिमांड कर्व विल शिफ्ट बिकॉज वीएमपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए, इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारणवश लेबर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा फैक्टर क्या है कि सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर्स, कि जब अदर फैक्टर की सप्लाई इंक्रीज होती है जैसे कि कैपिटल, तो लेबर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी लेबर की, ठीक है? ये छोटी सी चीज़ मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था। तो आइए अब लेबर सप्लाई कर्व स्टार्ट करते हैं। लेबर डिमांड कर्व हो गया अपना, लेबर सप्लाई, ठीक है? तो जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो किस पे डिटरमाइन, मतलब कौन डिटरमाइन करेगा, वो आपके हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड में से ही आपकी सप्लाई जो है लेबर की सप्लाई होती है। तो जो लेबर की सप्लाई कर्व है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि वर्कर का डिसीजन कि वो या तो लेजर लेना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, ठीक है? और वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका वेज रेट में, ठीक है? तो बेसिकली लेबर सप्लाई कर्व रिफ्लेक्ट वर्कर डिसीजन अबाउट लेबर लेजर ट्रेड ऑफ ड्यू टू चेंज इन वेज रेट। तो ये इस प्रकार से आपकी जो वेज रेट क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर हो गई, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। और इसका मतलब ये कि अगर वेज बढ़ेगी तो लेजर जो है रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाएगा, एज अ रिजल्ट लेजर आप कम कर दोगे, वर्क बढ़ा दोगे ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पर इनकम इफेक्ट भी ये मैंने पहले ही बता रखा है, अगर लेजर को नॉर्मल गुड माना गया था तो इस कारणवश लेजर बढ़ जाता है और वर्क डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने बता पहले ही बताया हुआ है सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में, कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है तो आपका लेजर रिलेटिवली महंगी हो जाएगी, और लेजर को आप कम कर दोगे, वर्क को बढ़ा दोगे, और इनकम इफेक्ट में क्या होता है, दोनों आपके बढ़ जाते हैं। पर इसमें लेजर क्यों बढ़ता है, अच्छा मैंने डिक्रीज को, हाँ तो इसमें दोनों बढ़ेंगे, पर इसमें लेजर क्यों बढ़ता है, मेन क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपका लेजर को नॉर्मल गुड कंसिडर करा गया और इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। पर इस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। तो आपने अगर ये ढंग से याद हो तो इसका जो सप्लाई कर्व आपका आया था वो ये आया था, अगर ये बढ़ा होता तो सप्लाई कर्व इसका डाउनवर्ड आया था, बट यहाँ पे हमने ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है, तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। अब आइए इसके फैक्टर्स जान लेते हैं कि भाई इसके इसमें अगर चेंज आएगा, लेबर सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होगा। तो सबसे पहला क्या हो सकता है कि चेंजेस इन प्रेफरेंस होता है, कि जब वर्कर जो है उनका जो प्रेफरेंसेस वो है चेंज हो जाए, मतलब वो लेजर पे ज़्यादा फेवर करने लगे और काम करने में थोड़े आलसी हो जाए, मतलब उस प्रकार से आपका ये जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है? पर अगर प्रेफरेंसेस कुछ इस प्रकार की हो जाए कि भाई नहीं, बहुत ही लोग ऐसे मेहनती हो गए, काम ही करना है, पैसा कमाना, मतलब बहुत ही एकदम जोश और जुनून के साथ लग गए और लेजर बिल्कुल ही त्याग दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका आ जाएगा इमिग्रेशन, कि जब लेबर जो है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में माइग्रेट करती है, तो सप्लाई कर्व का जो होता है पहली वाली इंडस्ट्री का जिनसे जाती है उसका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, जिसमें आती है उसका राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है? ये भी बेसिक्स है। दूसरा ये, तीसरा ये कि चेंज इन ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है किसी और इंडस्ट्री में तो जो लेबर है वो उस इंडस्ट्री में चली जाएगी, और इस कारणवश से लेबर कर्व लेफ्ट सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस इंडस्ट्री का, क्योंकि वो वहां से छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटी की और दूसरी इंडस्ट्री में जा रही है। तो अब आपको सप्लाई पता चल गया, डिमांड पता चल गया, ये आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बहुत ही बेसिक सा इक्विलिब्रियम आएगा, जहां पे आपका वीएमपी जो है वो वेजेस के इक्वल होगा, ठीक है? तो इसमें मतलब ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ऑलवेज इक्वल टू वेजेस, मतलब ये जो इसका इक्विलिब्रियम आएगा, और यहाँ पे ये आपका एल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई, लेबर आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दोगे आप, वेज, ठीक है? तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे ये वेज आ जाएगी, डब्ल्यू एल डब्ल्यू स्टार और एल स्टार, और ये याद रखना ये जो वेज होती है ये हमेशा किसके इक्वल होगी, वीएमपी के, वीएमपी ऑफ लेबर। तो इसी क्लास से आपका जो कोर्स है वो फिनिश हो जाता है, मतलब मोटा मोटा मैंने सारा कवर कर दिया, पर
कुछ ना कुछ ऐसे थ्योरी का मे बी मिस आउट हो गया हो या कुछ भी हो गया, ये आपको आपको पता है कि ये वाला टॉपिक रहेगा सर, ये वाला कुछ रिवीजन हुआ है सिलेबस वगैरह में, तो आप मुझे एक बार मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? तो कोई भी बच्चा जो सिलेबस वगैरह एक बार मुझे या तो कमेंट में या मेल कर देगा, ठीक है? तो मैं उसमें से देख लूंगा कि कौन कौन से टॉपिक रहेगा और उसमें कंटिन्यू करूँगा। बाकी जो मेन मेन पार्ट है समझाने वाला है ना, वो हो गया, वो इसके अलावा थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा होगा जो आई गेस रह गया होगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत ही सहायतामंद रही होगी। ये मैंने आप ही के लिए बनाई है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर वन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, सेमेस्टर फोर का भी डाल दिया। धीरे धीरे मैं सारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का फ्री कर दूंगा। फिर हाँ, फिर जून जून से भी कोर्स आते हैं वो सारे, मैं क्या कहते हैं RBI ग्रेड बी और ये सब, ये सारा मैं जितना ही मतलब मुझे आता है मैं उसे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, एक क्वालिटी चीज पहुंचाने की, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों बहुत ही ऐसे प्रेम से मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बस आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो भी प्लेलिस्ट वगैरह होती है मैं बनाता हूँ, तो ये आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं जो कॉलेज ग्रुप्स होते हैं, ताकि लोगों तक और जा पाए और मेरे को भी ऐसे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे कि हाँ ठीक है बच्चे है, क्योंकि इसमें रैंकिंग वगैरह का चक्कर होता है यूट्यूब में ना, इतनी आसान से रैंक नहीं करती और ये सब, तो हाँ इतनी सहायता कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर यू, ठीक है? सो थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए। कोई भी आपकी डाउट शंका शोक जो भी है वो आप मेरे से मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करूंगा, ठीक है? बाकी अगर कोई टॉपिक समझना है या कुछ भी समझना है तो आप कमेंट में बताइए मुझे वो टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, पहले प्लेलिस्ट चेक कर देना, फिर उसके बाद अगर नहीं पढ़ा होगा मैं वो भी क्या कहते हैं आपका कवर कर दूंगा। कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको एक्सटेंसिव वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो आप ही का चैनल है तो आप जैसे डिमांड करेंगे मैं वैसे बिल्कुल सप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तभी हम दोनों परफेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोर्स की किसी वीडियो में, मिलता हूँ इको ऑनर्स की, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप ग्राइंडिंग।